हजार तेईस बहुत अच्छा हो, इसमें कोई कोरोना नहीं है, नहीं ताकि हम सब अच्छा से ये 2023 बिता सकें। उम्मीद है कि हमारे सरकार से, हम लोग तो युवक है तो सरकार से उम्मीद रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाए, हम लोग को जॉब मिले। क्या चाहते हैं, क्या बनना है सर? ऐसा ही बनना। मेरा तो ऐसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ SSJE का, वो इच्छा को मतलब अच्छे तरीके से मतलब कम्प्लीट हो और हम भविष्य में कुछ आगे मतलब कर सके अपना देश के वजूद। अभी तो महावीर मंदिर आए थे हम लोग घूमने के लिए, लेकिन काफ़ी भीड़ की वजह से घूम नहीं पाए, तो अभी इधर आए, अभी हम लोग बुद्धा पार्क जाएंगे घूमने, उसके बाद फिर जाए समस्तीपुर जाएंगे। मेरी यही विश पूरी हो कि मतलब मेरा BCOM पार्ट 1 का एग्ज़ाम है, अच्छे से जाए। क्लियर में बस फैमिली के साथ खुश रहना हमेशा। नए साल के दिन ये फ्री रखना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। साल की शुरुआत हो गई है और इस नए साल में आज साल का पहला दिन है। सभी अपने अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए हुए हैं, पटना में अलग अलग जगह घूमने जा रहे हैं। और यहाँ भी आज मैं मौजूद हूँ पटना के जू में, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपने फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके न्यू ईयर की क्या कुछ तैयारी है। तो नए साल की शुरुआत हो गई है, आज पहला दिन है, दोस्तों के साथ आए हैं आज? यस मैम, दोस्तों के साथ आए और हमारे सब ये सब दोस्त हैं। दोस्त हैं, पिकनिक मनाने आए? हाँ, पिकनिक ही मनाने आए, घूमने आए थे और आज नया साल का शुरुआत, तो सोचे 2023 अच्छा से गुजरे इसलिए हम सब साथ आए हैं घूमने के लिए। क्या उम्मीद है, कैसा चाहते हैं कि 2023 कैसा रहे आपके लिए? 2023 बहुत अच्छा हो, इसमें कोई कोरोना नहीं है, नहीं ताकि हम सब अच्छा से ये 2023 बिता सकें। और 2022 की भी काफ़ी यादें हैं जो 2023 में वही दोहराना चाहेंगे, और कुछ यादें ख़राब भी हैं जो दोहराना नहीं चाहेंगे। तो 2023 से उम्मीद करते हैं कि अच्छा यादें लाएं और अच्छी उम्मीदें हैं उनसे, और यही बाकी। और भी कुछ इनके दोस्त हैं, उनसे भी जानते हैं कि कैसा चाहते हैं उनका 2023 कैसा गुजरे। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ, करते तो हैं। स्कूल में है? कॉलेज। कॉलेज। आज अपने दोस्तों के साथ आए हैं पिकनिक मनाने? हाँ, आए हैं थोड़ा मस्ती करने के लिए यहाँ पे, और यही सोच कर आ रहे हैं कि 2023 हम लोग का बढ़िया जाए। और क्या, और क्या सोचा आज पूरे दिन, क्या कुछ करना है? बस यही मस्ती करना है, पार्टी 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 करना है। हाँ। कहाँ सोचा है, कहाँ जाना है पार्टी करने आज? यहीं पे पिकनिक मनाएंगे, यहीं पार्टी करना है। क्या करना है पार्टी में, मतलब क्या कुछ करेंगे साथ? कुछ लाया घर से, बनवा के लाया है। अच्छा। कुछ खाएंगे, कुछ हम लोग लाए हैं, मिल बांट के खाएंगे। अच्छा, मतलब अपने अपने घर से खाना लेके आए हैं, सब बैठ के एक साथ खाएंगे यहाँ पे। और कहाँ सोचा है, कहाँ जाने का, इसका इसके बाद कहाँ जाने का नहीं है? आज का सिर्फ यहीं का प्लान था, आज का सिर्फ यहीं का है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो इसमें टाइम भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है। तो हम सब चाहते हैं कि अच्छा से लुत्फ उठा कर जाए और ये साल को और इस दिन को यादगार बनाए, तो इसलिए हमारे सारे दोस्त लोग आए और अच्छे से पिकनिक करेंगे और अच्छी अच्छी यादें यहाँ से लेकर जाएंगे, ताकि हमें 2023 काफ़ी अच्छे से याद रहे, इसलिए हम लोग सारे लोग दोस्त आए हैं। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि नए साल में कोरोना ना आए, पिछले 2 साल से कोरोना था जिस वजह से सभी जू मंदिर सभी धार्मिक स्थल सभी बंद थे, इस साल नया साल है, चाहते हैं अच्छा गुजरे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, कैसा चाहते हैं ये नया साल कैसा गुजरे? नया साल जो पिछला साल गया उससे थोड़ा अच्छा गुजरे। रेजोल्यूशन क्या है? नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है ऐसे। क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं कि इस साल में क्या हो? उम्मीद है कि हमारे सरकार से, हम लोग तो युवक है तो सरकार से उम्मीद रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाए, हम लोग को जॉब मिले, हम लोग यहीं सरकार से बस चाहेंगे। चाहते हैं कि वैकेंसी आए और जॉब मिले। क्या करते हैं आप अभी? अभी तो हम पढ़ाई करते हैं BSc पार्ट 1 में। यही चाहते हैं कि पिछले साल से मतलब अच्छा साल गुजरे। हाँ। तो यहाँ पे क्या अपने दोस्तों के साथ आए? जी, हम लोग दोस्तों के साथ हैं, आरा से हम लोग। अच्छा, आप लोग आरा से आए हुए हैं। और क्या सोचा है आज, क्या कुछ करना है आज पूरे दिन? बस यही घूमेंगे, फिर आरा चल जाएंगे। अच्छा, मतलब आप आरा से पटना घूमने के लिए आए हैं? हाँ, हाँ। क्या प्लानिंग है आज, कहाँ कहाँ क्या कुछ करना है? नहीं, बस घूमना है और मॉल वॉल जाना। मॉल भी जाना है? हाँ। ये रेजोल्यूशन क्या है? उतना कुछ खास नहीं है, बस आए हैं घूम फिर कर घर चले जाना है, ठंडा है तो। अच्छा, मतलब कुछ चाहते हैं भगवान से कि ये साल मेरा ऐसा गुजरे, या फिर कुछ आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए? हर आदमी चाहता है कि अच्छा गुजरे, अब ऊपर वाले के हाथ में जैसा गुजर जाए। ठीक है, तो आपने सुना कि इनका कहना है कि जैसा गुजर जाए, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा हो ही जाएगा। और भी लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कुछ बोलना चाहते हैं, कैसा उनका साल गुजर रहा है। आइए, मैं आपसे जानना चाहूँगी, न्यू ईयर का पहला दिन कैसा गुजर रहा है? मस्त। क्या कुछ प्लानिंग है, क्या करना है आज? कुछ नहीं। कुछ नहीं करना है? नहीं, कुछ नहीं, खाली घूमना है। घूमना है। न्यू ईयर में रेजोल्यूशन क्या है, क्या उम्मीद है, कैसा चाहते हैं कि आपका ये साल कैसा रहे? मस्त, अच्छा रहेगा। हाँ। स्टूडेंट है तो मतलब फैमिली लोग आया घूमने के लिए तो घुरा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं ये साल आपको कैसा गुजरे, क्या चाहते हैं कि कौन सी विश आपकी पूरी हो जाए इस साल? बस जो जो इच्छा है वो पूरी खाली हो जाए। क्या इच्छा? इच्छा ही में आपका जॉब का है ना? जॉब का। क्या चाहते हैं, क्या बनना है इस साल?
ऐसा ही बनना। हाँ। फैमिली के साथ आए? हाँ, बेटी है, मेरी भतीजी है, भाभी है, भतीजे लोग है, सबको लेके साथ में आए घूमने के लिए। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग गया से आए हैं। गया से आप पटना घूमने आई हैं? अच्छा, भाई लोग बच्चा लोग सब पढ़ता है यहीं पे। हाँ, हाँ। तीन लोग के साथ में आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। पहला साल का पहला दिन अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए गया से पटना आए? बच्चा लोग को खुश देखने के लिए, घुमाने के लिए आए हैं। तो इसके बाद क्या सोचा है, कहाँ जाना है? नहीं, बस पटना में ही घूमना है। हाँ, अलग अलग जगह पे घूम लेंगे बस। छोटू बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज हेमंतराज। हेमंतराज, क्या करते हो तुम? कौन से क्लास में हो? टू में हो। क्या सोचा, क्या कुछ खाया पिया आज? यस। क्या खाया? नूडल्स खाया। और क्या खाना है? और कुछ नहीं, लिट्टी चोखा खाना है। यहाँ का लिट्टी चोखा खाना है? बिहार का लिट्टी चोखा। यस। लिट्टी चोखा खाना है, पसंद है? यस। घूमने कैसा लगा जू? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? जानवर को देखा? यस। कौन कौन से जानवर देखे? टाइगर देखे, तोता देखे, पैरोट। एनिमल कौन सा है तुम्हारा? टाइगर। टाइगर देखा? टाइगर अच्छा लगा। हाँ। और अभी क्या, कहाँ जाना है? अभी कहीं नहीं जाना। हो गया। क्या सोचा है नए साल में, क्या करना है आज? घूमना है। कहाँ कहाँ घूमने का सोचा है? चिड़ियाघर, घर, म्यूजियम। और क्या चाहते हैं ये साल में, क्या विश पूरी हो? एग्जाम देना है। ट्वेल्थ का एग्जाम देना है। अच्छा, ट्वेल्थ में आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो क्या चाहते हैं? अच्छा हो, अच्छा जाए, अच्छे मार्क्स आए, अच्छे रंग से फर्स्ट इसमें आए। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ये न्यू ईयर की क्या कुछ तैयारी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, फर्स्ट ईयर, आज न्यू ईयर का पहला दिन है, क्या चाहते हैं, कैसा गुजरे? बढ़िया से गुजरे। आप क्या विश है, क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, क्या चाहते हैं कि इस साल में अच्छा हो? पहले से क्या चाहते हैं? पहले से सुधार हो। और कोई विश है जो चाहते हैं इस साल पूरा हो? मेरा एग्जाम है, एग्जाम बढ़िया से हो जाए। आपको भी बनना है लेफ्टिनेंट कैप्टन? यस मैम। क्या चाहते हैं इस न्यू ईयर में, क्या विश पूरी हो आपकी? हमारा एग्जाम आ रहा है। किस चीज़ का एग्जाम? टेंथ का। तो क्या चाहते हैं, अच्छे मार्क्स आए? हाँ, अच्छे मार्क्स आए। और क्या चाहते हैं इस साल में अच्छा क्या हो, क्या पहले से आप चाहते हैं कि नया हो? नया तो होवे करेगा। क्या नया, क्या चाहते हैं, क्या आप नया तो होगा ही, क्या नया चाहते हैं आप? चाहते तो बहुत कुछ है। क्या? वही बहुत कुछ हमें जानना है, क्या चाहते हैं? एग्जाम अच्छा से हो जाए। और शर्माइए मत, बोलिए क्या और क्या चाहते हैं? और कुछ नहीं। न्यू ईयर में क्या विश चाहते हैं पूरी? न्यू ईयर में जो मेरा इच्छा है वो मनोकामना मेरा पूर्ण हो। क्या इच्छा जानना चाहिए? मेरा तो ऐसे, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ SSJEE का, वो इच्छा है को मतलब अच्छे तरीके से मतलब कंप्लीट हो और हम भविष्य में कुछ आगे मतलब कर सका अपना देश के वजूद, वो यही मनोकामना है। और 2023 के अलावा मतलब देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं? अच्छा करना चाहते हैं हम, और विकास जो देश, जो मैं जो प्रिपरेशन है SSJEE का उसका पूरा होता था, हम कुछ देश के लिए अपना मतलब योगदान दे सकते हैं, योगदान देना चाहते हैं। और आज दोस्तों के साथ आए हैं? हाँ, दोस्तों के साथ आए हैं। क्या कुछ सोचा है आज, क्या कुछ करना है? सोचे हैं थोड़ा सा, बहुत दिन से मतलब बैठे हुए थे, मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे उसके प्रति, आज सोचे थोड़ा सा 1 जनवरी या न्यू ईयर के थोड़ा सा मतलब घूम लेते हैं, थोड़ा सा लोग मिल उल लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा घूम। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी ज़रूरी है। आज न्यू ईयर है, पहला दिन है, सब भी आए हुए हैं घूमने। आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? केशव राज। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में क्या मतलब, क्या विश पूरी हो आपकी? हैं अभी हम बिहार आए थे घूमने के लिए, तो यही देखने आए थे कि ये यहाँ का चिड़ियाघर कैसा है और गुजरात में क्या डिफरेंट है। और क्या सोचा आज पूरे दिन, क्या कुछ करना है? अभी तो महावीर मंदिर आए थे हम लोग घूमने के लिए, लेकिन काफ़ी भीड़ की वजह से घूम नहीं पाए, तो अभी इधर आए, अभी हम लोग बुद्धा पार्क जाएंगे घूमने, उसके बाद फिर समस्तीपुर जाएंगे। न्यू ईयर कैसा बीते? बहुत अच्छा बीते। विश क्या है, क्या चाहते हैं इस साल, क्या चाहते हैं कि आपका विश पूरा हो? कि और अच्छा से मतलब पढ़े लिखे। अच्छे से पढ़े लिखे, क्या किस क्लास में? भी सेवन क्लास में। तो चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए, अच्छे से पढ़े लिखे। और साथ ही फैमिली के साथ आए आज? हाँ। किसके साथ? पापा के साथ। और मम्मी? मम्मी घर पे। अच्छा, उनके पापा भी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या सर, कहाँ, क्या क्या सोचा आज, बच्चों को कहाँ ले जाना? ठीक है, बच्चों को टहलाने के लिए लाए हैं, थोड़ा मनोरंजन के लिए लिया है ना जी। बच्चों को लेके आए, इनकी मम्मी को नहीं लेके आए? हाँ, मम्मी नहीं आई, वो थोड़ा घर का काम थोड़ा।
तो आज क्या सोचा, इसके बाद अब कहाँ जाना है? इसके बाद बुद्धा पार्क जाना है, गांधी मैदान, गोलघर, टहलाना है ना। क्या विश है आज, क्या चाहते हैं? पहला दिन कैसा गुजरे? बहुत अच्छा दिन हमारा, बहुत अच्छा गुजरे। हम चाहते हैं नया साल है, लेकिन हम लोग गुजरात से आए, अहमदाबाद से। हम घूमने के लिए आए, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। क्या कुछ प्लान है, क्या चाहते हैं नए साल में? क्या विश? नए साल के दिन ये फ्री रखना चाहिए था, फ्री रखना चाहिए था, ये आपकी विश है। पर ये फ्री तो नहीं, और क्या चाहते हैं? लग रहा है क्या चाहते हैं पहले, विश क्या पूरी हो? बहुत अच्छी हो, जो भी हो। यहाँ किराया था पहले से, वो बहुत ज्यादा ही बढ़ा चुके हैं, इनको आज थोड़ा कम रखना चाहिए ना। जगह से घूमने आता है तो आज ही कम रखना चाहिए, उन दिन तो यहाँ के लोग घूमते हैं तो पैसा कमाते ही हैं, आज कुछ कम रखना चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल। और क्या चाहते हैं पूरे साल में, और कुछ नया क्या हो आपके साथ? मेरे साथ बढ़िया, और क्या चाहेंगे, और सभी के साथ। विश क्या है, विश क्या चाहते? गुलशन कुमारी भैया जो है ना, मेरा BSF में निकल गया है, भारत का रक्षा करेगा, टेंशन मत लो आप सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं जू में हूँ, आप देख सकते हैं कि इस नए साल में लोग जू में आते हैं पिकनिक मनाने के लिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और इस जू में या फिर जितने भी जगह हैं वहाँ पे शांति का माहौल बने रहे, इसके वजह से जो पुख्ता इंतज़ाम भी किए हैं, पुलिस यहाँ पे तैनात है ताकि कोई भी हुड़दंगई ना मचाए, शांति रहे। क्योंकि यहाँ पे हर लोग आते हैं, अपने दोस्तों के साथ लोग आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, बच्चे आते हैं छोटे छोटे। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि इस नए साल में खास कर लोग हैं जो अपने फैमिली के साथ बाहर जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। और पटना का जो सबसे अच्छा और जू है, और आज हम जू में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं। तो ये चलते हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये न्यू ईयर उनका कैसा बीत रहा है। आपसे जानना चाहूँगी न्यू ईयर कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। और फैमिली के साथ आए? नहीं, मैं सिंगल आया हूँ, मैं सासाराम से आ रहा हूँ। जी, तो सासाराम से आप यहाँ पटना घूमने आए? जी। तो फैमिली दोस्तों के साथ आए? हाँ, दोस्तों के साथ आए। अच्छा, तो क्या सोचा है, क्या चाहते हैं न्यू ईयर में, क्या विश पूरी हो? मेरी यही विश पूरी हो कि मतलब मेरा BCOM पार्ट 1 का एग्जाम है, हाँ, अच्छे से जाए, यही मेरे विश है। आपसे जानना चाहूँगी फैमिली के साथ आए हुए पिकनिक मनाने? हाँ जी, पूरे फैमिली आए हुए हैं, पूरा परिवार। हाँ जी। और क्या सोचा आज पूरे, आज न्यू ईयर में क्या कुछ करना है? क्या करना है? घूमना फिरना है, और क्या करना है? घूमना फिरना है। हाँ जी। पूरी लग रही है आपकी पूरी जॉइंट फैमिली आई हुई? हाँ जी, हाँ जी, पूरी कौन है। कौन-कौन है फैमिली में अभी आपकी? मैं, सासू माँ है, बहन है, बहू है, सारे हैं। हाँ जी, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, क्या खा रहे हो? फुल्की सेवाई। फुल्की सेवाई। फैमिली के साथ आज न्यू ईयर मनाने आए हो, क्या चाहते हो ये न्यू ईयर कैसा बीते? बढ़िया बीते। और चॉकलेट वॉकलेट कुछ मांगे हो घर वालों से, मम्मी से? हाँ, हाँ। मांगे हो? यस। कौन सा चॉकलेट मिला? डेरी मिल्क। डेरी मिल्क मिला है। हाँ। और क्या चाहते हो, और क्या मिले मम्मी, क्या दे आपको इस साल में? साइकिल कुछ खरीद के दे, या कुछ ऐसा विश है कि जो मम्मी से चाहते हो पूरा हो? हाँ। क्या? साइकिल। साइकिल चाहते हो ना? हाँ। तो बोलना मम्मी को कि न्यू ईयर में साइकिल खरीद के दे। यस। तो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने न्यू ईयर मना रहे हैं, खीर पूरी खा रहे हैं, दादी भी मौजूद है। दादी, जानना चाहूंगी न्यू ईयर में क्या चाहते हैं? पूरी खा रहे हैं। पूरी खा रहे हैं। तो और कहाँ सोचा है, कहाँ जाना है आज? यही घूम के चला जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से बोलो? मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर से आप लोग पटना घूमने आए हैं? घूमने आए हैं पूरी फैमिली। पंजाब से, जलंधर। पंजाब से आए आप लोग, तो आप भी इनके साथ ही हैं? हम सब पंजाब वाले हैं, वहाँ पे रहते हैं, फैमिली रहती है हमारी। सब अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। जलंधर से भी आए हैं घूमने, हम लोग वहीं रहते हैं ना जलंधर, फिर हमारे फैमिली और यहाँ पे रहते हैं जी। यहाँ तो पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये लोग पूरी ज्वाइंट फैमिली एक साथ जुटी है, न्यू ईयर का पहला दिन मना रही है सभी। कोई पंजाब से आया है, तो कोई जलंधर से आया है, तो कोई अलग अलग मुजफ्फरपुर से आया, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए हैं। और साथ ही मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या चाहते हैं इस न्यू ईयर में, क्या विश पूरी हो आपकी? न्यू ईयर में बस फैमिली के साथ खुश रहना, हमेशा हैप्पी चाहते हैं फैमिली के साथ खुश रहे। और आपसे भी जानना चाहूँगी, इनके साथ ही हैं आप भी जी, क्या चाहते हैं न्यू ईयर कैसा बीते? अच्छा बीते, और क्या चाहिए? क्या विश कोई है ऐसी जो चाहते हैं पूरा हो जाए इस साल? नहीं, विश ऐसा कुछ कोई विश नहीं है, कोई विश जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, चलता रहे। तो आपने देखा सबकी अलग अलग विश है, अलग अलग, कोई चाहता है कि अच्छे मार्क्स आए, तो कोई चाहता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहे, भगवान जो चाहेंगे वो हो ही जाएगा। तो आज मैं जू में मौजूद हूँ, सभी लोग आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए, अलग अलग लोगों से हमने, अलग अलग जगहों के लोग से हमने बात किया।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।